दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौर मंडल के एक नीले रत्न के बारे में, यूरेनस। ये सूर्य से सातवें नंबर पे आता है और हमारे सौर मंडल का एक बहुत बड़ा ग्रह है। साइज में ये तीसरे नंबर पे आता है। यूरेनस अपनी नीली चमक के लिए फेमस है। ये चमक इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से होती है। ये गैस सूरज की लाल रोशनी सोख लेती है और नीले रंग को रिफ्लेक्ट करती है। यूरेनस को हम टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही देख पाए। ये पहला ऐसा ग्रह था जिसे पुराने जमाने के लोग नहीं देख पाए थे। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यूरेनस एक गैस जायंट है, मतलब इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। यूरेनस के आसपास पतले धुंधले छल्ले भी हैं, जो पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। यूरेनस की खोज ने सौर मंडल के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। इससे पता चला कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल और रहस्यमयी है और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यूरेनस का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ये उसी गैस और धूल से बना था जिससे हमारा सूरज और बाकी ग्रह बने थे। ऐसा माना जाता है कि यूरेनस पहले सूरज के बहुत पास था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आज वाले स्थान पर आ गया। यूरेनस का विकास बाकी गैस जायंट्स जैसे बृहस्पति और शनि से अलग रहा है। ये थोड़ा छोटा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कमजोर है, इसलिए ये उतनी गैस और धूल को अपनी तरफ नहीं खींच पाया जितना बाकी गैस जायंट्स ने खींचा था। यूरेनस का वायुमंडल भी बाकी गैस जायंट्स से अलग है। इसमें मीथेन गैस ज्यादा है, इसीलिए ये नीला दिखता है। यूरेनस के वायुमंडल में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। यूरेनस के जन्म और विकास को पर अचकर वैज्ञानिक सौर मंडल के निर्माण और विकास को और भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं बर्फ का साम्राज्य, यूरेनस की संरचना। यूरेनस एक बहुत बड़ा बर्फ ग्रह है, जिसे बर्फ दानव भी कहते हैं। इसकी बनावट तीन परतों में बंटी है, एक पथरीला कोर, एक बर्फीला मेंटल और एक गैसीय वायुमंडल। यूरेनस का कोर बहुत छोटा है, पृथ्वी के आकार का लगभग आधे से भी कम। ये ज्यादातर लोहे और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है। कोर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। कोर के चारों ओर एक बहुत बड़ा मेंटल है, जो पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ से बना है। ये बर्फ हमारी पृथ्वी वाली बर्फ से अलग होती है। ये बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर होती है, जिसकी वजह से ये एक गर्म गारहे तरल पदार्थ की तरह होती है। मेंटल के ऊपर यूरेनस का वायुमंडल है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। वायुमंडल में बादल और तूफान भी हैं, जो तेज हवाओं से चलते हैं। यूरेनस की अलग तरह की बनावट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ये सौर मंडल के बाकी ग्रहों से बहुत अलग है और ये हमें ग्रहों के जन्म और विकास के बारे में नई चीजें सिखाता है। अब जानते हैं उस ग्रह के बारे में जो लेटा हुआ है और उसकी अनोखी दुनिया के बारे में। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके इतना झुके होने का कारण अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले किसी बड़ी चीज से टकराने के कारण ऐसा हुआ होगा। यूरेनस के झुके होने की वजह से इसके मौसम बिल्कुल ही अलग होते हैं। हर ध्रुव पे 42 साल तक लगातार दिन रहता है और उसके बाद 42 साल तक रात रहती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यूरेनस के 27 चांद हैं, जिनके नाम कहानियों के किरदारों के नाम पर रखे गए हैं। सबसे बड़े चांद टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा हैं। इन चांद की सतहों पर गड्ढे, घाटियां और ज्वालामुखी हैं, जो बताते हैं कि ये भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। यूरेनस के आसपास 13 छल्ले हैं, जो पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं।
ये छल्ले शनि के छल्लों की तरह चमकीले या विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक आकर्षक और रहस्यमय चीज है।